चालू कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों सभी भाई खैर से होंगे। आज हम बनाएं अलफला मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं यहाँ पर हम इस्लामिक वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पर ये भाई हैं, इनकी हम वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई? मोहम्मद रहीस। मोहम्मद रहीस, मोहम्मद रहीस, हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं। अभी इजाज़त हो आपसे एक सवाल करें। जी करिए। अच्छा ये बता मोहम्मद रहीस, वो कौन से गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला को वो बहुत ज़्यादा पसंद है? वो कौन से गुनहगार हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है? अल्लाह ताला वो गुनाह भी करते हैं, उन्होंने बहुत गुनाह किए, कबीरा सगीरा छोटे बड़े गुनाह, गुनाह उन सारे गुनाह उन्होंने कर दिए, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला को पसंद है, वो कौन से गुनहगार? वो सर ऐसा है कि जैसे कोई गुनाह कर दे हुए और माफी मांग ले हुए। माफी किससे मांगे गुनहगार? जिसका अल्लाह से, यानी वो अल्लाह से पक्की और सच्ची तौबा कर ले। हाँ वो गुनहगार हैं जो अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की पक्की और सच्ची तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ताला को दिल से तौबा, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल जनाब, आपसे एक सवाल करें। करो जनाब। अच्छा वजू में कितने फ़र्ज हैं? वजू में जी 13 फ़र्ज हैं। ज़हनी एतबार सवाल करते हैं, कोई दिक्कत आपको अगर ज़हनी एतबार से सोच समझ के बताओ वजू में कितने फ़र्ज हैं? नमाज के फर्ज बता रहे हैं आप, नमाज के वजू के फर्ज पूछ रहा हूँ आपसे। देखो जी ये तो मेरे को, देखो वजू बनाते हैं हम, वजू में कितने फर्ज हैं? आप कोई बात ना, ज़हनी एतबार सोचो। भाई साहब आप बता सकते हैं वजू में कितने फर्ज? सात अंदर बाहर। कोई ना, ये तो आदमी और सोचो, ये नहीं है, ज़हनी एतबार सवाल है, कोई दिक्कत ना, अगर नहीं पता हो तो हम बताएंगे वजू में कितने फर्ज हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद याजुद्दीन। याजुद्दीन, मोहम्मद याजुद्दीन, हम इस्लामिक गेट बनाते हैं, तो आपसे सवाल करें। बिल्कुल जाए। सवाल ये है कि वजू में कितने फर्ज हैं? तीन। वजू में तीन फर्ज नहीं, चार। चार चार कितने फर्ज हैं? चार। चार फर्ज हैं। चार तो कैसे कैसे? पहला कुल्ली करना, और दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा जो है चौथा सर का मसा करना। नहीं ना, ये आप गुसल के फर्ज बता रहे हैं। हाँ गुसल का अलग हो गया। हाँ गुसल का, वजू का फर्ज पूछ रहा हूँ आपसे। नंबर एक है, नंबर एक कुल्ली करना, वजू के अंदर चार फर्ज है। नंबर एक मुंह धोना। मुंह धोना, हाँ बाकी वो बस मुंह को धोना ये फर्ज है जी। वजू नंबर दो, नंबर दो दोनों हाथ कोहनी समेत धोना, कोहनी समेत धोना। हाँ नंबर तीन, नंबर तीन दोनों चौथा सर का मसा करना। नंबर चार दोनों पैर टखनों तक धोना। हाँ माशाल्लाह। देखो इसमें ये ज़हनी एतबार सवाल नहीं पता होता, किसी को पता किसी को नहीं पता, तो ऐसे तो इनमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, ये सीखने चाहिए। हाँ जब भी मालूम होता, भाई बहुत सारे भाई ऐसे हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता, अब वो हमारी वीडियो देखेंगे तो वो सीखेंगे। असल में वजू में चार फर्ज हैं, वो तरीके से मैं बताऊंगा। वही नंबर एक मुंह धोना, ये पूरे मुंह धोना पेशानी के बलों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लो सर दूसरे कान के लो तक मुंह धोना फर्ज है, ठीक है। और नंबर दो दोनों हाथ कोहनी समेत धोना, और नंबर तीन चौथाई सर का मसा करना, ठीक है, और नंबर चार दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जो आप बता रहे थे कुल्ली करना, ये सुन्नत है और ये गुसल में है। अच्छा गुसल में कितने फर्ज हैं? तीन है जी। कौन कौन से? एक तो कुल्ली करना अच्छी तरह से। हाँ नाक में, अगर रोजा से ना हो तो गरार कर ले आदमी। हाँ नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक। हाँ और बदन पे पानी, सारे बदन पर पानी बहाना। अगर कोई भी जगह बाल के बराबर खुश रहेगी गुसल नहीं, अगर गुसल नहीं होगी तो नमाज भी ना हो से। तो आपने हमें कीमती वक्त दिया, हमें बहुत खुशी मिली। तो
अल्लाह ताला के सुनने से ज्यादा अमल करने की आमीन तौफीक अता फरमाए।